हाँ तो शुरू करते हैं, आज हम देखेंगे हाँ, कल वाले न्यूमेरिकल कर लिए थे। यस सर। चलो ठीक है, हाँ बढ़ते आगे। आज हम देखेंगे चेंज ऑफ स्टेट। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है चेंज ऑफ स्टेट। इसीलिए सबने कहीं ना कहीं ट्रांसफर लिया है सर। कल आपका क्लास है क्या? इसका पेपर कल आपका पेपर है? अच्छा कल पेपर है ना अपना सर? परसों है। यस सर। हाँ मतलब परसों। ठीक है, बढ़िया है बढ़िया है। पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो? तो सर आप डाउट क्लियर कर दो। हाँ पूछो, कौन कौन से टॉपिक में डाउट्स है? सर एक बार हाइड्रोलिक लिफ्ट बता दो। चैप्टर कौन कौन सा आ रहा है बताइए? 9th एंड 10th। हाँ 9th एंड 10th आ रहा है ना। हाँ हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर देखो, हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर क्या होता है? सिंपल से हमारा पास्कल्स लॉ और बर्नौली थ्योरम जो काम में आती है, क्या होता है हमारा दो तरीके के डायग्राम बनते हैं। एक डायग्राम तो होता है भाई इनपुट छोटा हो आउटपुट बड़ा हो, एक होता है भाई इनपुट बड़ा हो आउटपुट छोटा हो। चलिए ठीक है। ये हमारे डायग्राम्स हाइड्रोलिक लिफ्ट। बस एक तो हो गया कि यहां से हम इनपुट में फोर्स लगाए और यहां पे हमें आउटपुट में फोर्स मिले F2 F1। यहां पे रखी हुई हमारी कार सुलोचना जांगे। अरे कहां गायब हो गई? वापस से रिक्वेस्ट भेजो। कहां है रिक्वेस्ट गायब? चलो बढ़िया ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, इनपुट में छोटा फोर्स छोटा एरिया रखे क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये भी हो गया हमारा A1, ये हो गया हमारा A2, ये हो गया हमारा A1, ये हो गया हमारा A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 A2 A1 A2 ठीक है। ये हो गया इनपुट में फोर्स, आउटपुट में आ रहा है हमारे पास हाइड्रोलिक लिफ्ट। हमारे लिए कौन सा मोर प्रेफरेबल है? हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वो हमारे लिए कौन सा प्रेफरेबल है? थोड़ा दूर दूर कर देते हैं। कौन है? शक्ति सिंह। बताइए दोनों में से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमारे लिए मोर इम्पोर्टेंट है? कौन सा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमारे लिए काम राइट वाला। क्यों राइट वाला? क्योंकि इसके अंदर क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा आउटपुट में ज्यादा है, यहाँ पे आउटपुट में क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर भाई साहब यहाँ पे हमारा P1 प्रेशर लग रहा है तो यहाँ पे भी हमारा P2 प्रेशर जो होगा वो P1 is equal to P2 होगा। तो P1 का मतलब हो गया हमारा F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2 होगा। तो F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2। तो मतलब अगर हमें आउटपुट में फोर्स ज्यादा चाहिए, F2 की वैल्यू अगर हमें ज्यादा चाहिए, F2 की वैल्यू ज्यादा कब होगी? जब हमारा A2 की वैल्यू भी ज्यादा होगी। अगर हमें आउटपुट में फोर्स ज्यादा चाहिए, क्यों? क्योंकि भाई लिफ्ट करना चाहते हैं हम, क्या चाहते हैं? कार को लिफ्ट करना चाहते हैं। कार को कैसे लिफ्ट करना चाहते हैं? कम फोर्स लगा करके। फोर्स हम कम लगाए लेकिन कार जो है वो लिफ्ट हो जाए, तो कम फोर्स लगा करके कार को हम कैसे लिफ्ट कर पाएंगे? कि भाई आउटपुट का जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया वो क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। मैथमेटिकली हम कह सकते हैं दैट इनपुट प्रेशर विल बी इक्वल टू आउटपुट प्रेशर एंड इनपुट एंड आउटपुट प्रेशर इफ इक्वल्स देन F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2 F1 अपॉन A1 is equal to F2 upon A2। तो मतलब ये हुआ कि अगर हमें आउटपुट में फोर्स ज्यादा चाहिए तो हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बढ़ाना पड़ेगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया किसमें ज्यादा है? हमारा सेकंड वाले डायग्राम में ज्यादा है। तो इसमें अगर हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हुआ तो हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जब हम बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे तब हम थोड़ा सा लिफ्ट कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो बहुत ज्यादा लिफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज द हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्लियर है यहाँ तक? और कोई डाउट? यस सर।
थैंक यू, हो गया डाउट। नेक्स्ट कोई, नेक्स्ट कोई डाउट? सर एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। सर इसमें डेरिवेशन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? इसके अंदर डेरिवेशन देखते हैं, टॉपिक बोलते जाओ, मैं बताते जाता हूं। टॉपिक बोलते जाओ स्टार्टिंग से। देखिए डेरिवेशन तो काफी कम है लेकिन सारे इंपॉर्टेंट है, तो डेरिवेशन तो सारे कर लेना। चैप्टर में एंगल ऑफ कांटेक्ट एक बार दिखा देता हूं, एंगल ऑफ कांटेक्ट दिखा देता हूं। देखो डेफिनेशन, अगर हमें डेफिनेशन याद है तो हम डायग्राम बना लेंगे, अगर हमें डायग्राम याद है तो हम डेफिनेशन लिख लेंगे। कैसे कैसे? डायग्राम से डेफिनेशन बनाते हैं, फिर डेफिनेशन से डायग्राम बनाएंगे एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट की। अब एंगल की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो लाइन्स होनी चाहिए, एंगल की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो लाइन्स होनी चाहिए। भाई एंगल किस किस के बीच में होता है? या तो दो लाइन्स के बीच में होता है या दो प्लेन्स के बीच में होता है। दो प्लेन के बीच में भी एंगल होता है ना, प्लेन, दो प्लेन, एक ये वाला प्लेन हो गया, एक ये वाला प्लेन हो गया, इन दोनों के बीच में भी एंगल हो सकता है। तो या तो दो प्लेन्स के बीच में एंगल बने या दो लाइंस के बीच में एंगल बने। तो यहाँ पे जो हम एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट की बात करते हैं वो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट होता है हमारा दो लाइंस के बीच में। तो दो लाइन कौन कौन सी? लाइन नंबर वन, टेंजेंट एट द पॉइंट वेयर द लिक्विड इज इन कॉन्टेक्ट विद द सॉलिड सर्फेस। टेंजेंट एट द पॉइंट वेयर द लिक्विड इज इन कॉन्टेक्ट विद द सॉलिड सर्फेस एंड द सॉलिड सर्फेस। अब सॉलिड सर्फेस हमारे पास दो हो गए, एक तो ये हो गई, एक ही हो गई, कौन सी वाली ले? एंड द सॉलिड सर्फेस इनसाइड द लिक्विड, एंड द सॉलिड सर्फेस इनसाइड द लिक्विड इज डिफाइंड एज एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। तो क्या डेफिनेशन हुई हमारी? द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द पॉइंट वेयर द लिक्विड इज इन कॉन्टेक्ट विद द सॉलिड सर्फेस एंड द सॉलिड सर्फेस इनसाइड द लिक्विड इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये तो क्या हमारा पहला एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, अगर हमारी वाटर ड्रॉप बन रही है, अगर हमारा पानी फैल रहा है, अगर पानी हमारा फैल रहा है तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा? द टेंजेंट एट द पॉइंट वेयर द लिक्विड इज इन कॉन्टेक्ट विद द सॉलिड एंड द सॉलिड सर्फेस इनसाइड द लिक्विड इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। तो अगर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट हमारा थीटा सी इज लेस देन 90 डिग्री है तो पानी हमारा फैलेगा, लिक्विड हमारा फैलेगा, और अगर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो वो जो पानी है या जो भी लिक्विड है वो लिक्विड हमारा वॉटर ड्रॉप का शेप बनाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर। चलो ये था हमारा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, और कोई डाउट? नेक्स्ट, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, देखो सरफेस एनर्जी का कंसेप्ट क्या था हमारा? टेंशन भी बदल है, टेंशन भी, टेंस सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी है ना। चलो देखो सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी क्या होता है। सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन ही होता है। ईच एंड एवरी लिक्विड, हर लिक्विड जो है वो अपने आप को क्या करना चाहता है? मिनिमम वॉल्यूम में कंसीडर करना चाहता है। हर लिक्विड अपने आप को, ईच एंड एवरी लिक्विड वांट्स टू कैरी इटसेल्फ इन अ मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वॉल्यूम। हर लिक्विड अपने आप को मिनिमम वॉल्यूम में कंसीडर करना चाहता है, ठीक है। अब सरफेस टेंशन क्या होती है कि सरफेस की जो ऊपर वाली लेयर होती है किसकी? लिक्विड की। लिक्विड की जो अपर लेयर होती है वो लेयर जो है वो किसके कॉन्टेक्ट में होती है? एयर के कॉन्टेक्ट में होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर हमने किसी कंटेनर के अंदर लिक्विड को फिल कर रखा है, किसी कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड को फिल कर रखा है, ठीक है, ठीक है। अब ये जो कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर ये जो लिक्विड की लेयर्स है, ये जो लिक्विड की लेयर्स है, ये तो लिक्विड की लेयर लिक्विड के कॉन्टेक्ट में, लिक्विड इज इन कॉन्टेक्ट विद द लिक्विड, बट ये जो ऊपर वाली लेयर है ये वाली लेयर किसके कॉन्टेक्ट में है? एयर के कॉन्टेक्ट में है। तो ये जो लिक्विड की लेयर जो है वो एयर के कॉन्टेक्ट में है, ये लिक्विड की लेयर अपने आप को मिनिमाइज करेगी, अपने आपके जो इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है वो अपने आपके एटम्स को पास में लाएगा, मॉलिक्यूल्स को पास में लाएगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भाई अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम किसी कंटेनर के अंदर पानी को भरे, उसके अंदर अगर हम नीडल को ड्रॉप करें तो नीडल क्या होती है? डूब जाती है, डूब जाती है नीडल। लेकिन लेकिन अगर इसी पानी के ऊपर कोई मॉस्किटो बैठ जाए, अगर कोई इसके ऊपर मच्छर बैठ जाए, तो आपने देखा होगा जहां जहां मच्छर के पैर होते हैं, अगर मान लीजिए ये हमारे लेयर है तो जहां जहां मच्छर के पैर होते हैं
ये मच्छर है, तो जहां जहां मच्छर पैर रखता है वहां पे थोड़ा सा पानी जो है वो अंदर की तरफ बेंड हो जाता है, हल्का सा बेंड हो जाता है, होता है यस सर। तो उसी को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। अब इस सरफेस टेंशन के कारण सरफेस एनर्जी आती है, सरफेस एनर्जी क्या करती है, लिक्विड को अपने आप को मिनिमम करना चाहती है, अपने आप को मिनिमाइज करना चाहती है, ठीक है। अब वो अपने आप को मिनिमाइज अगर करना चाहती है तो इसे प्रैक्टिकली हम कैसे समझ सकते हैं, इसे प्रैक्टिकली समझने के लिए हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया था, एक टेबल थी, टेबल के ऊपर हमने कुछ हाइट से वाटर ड्रॉप किया था, तो वाटर पहले तो फैल रहा था, क्यों फैल रहा था, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। फैलने के बाद कुछ अमाउंट में वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, कुछ अमाउंट में वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। पानी पहले तो फैलता है फिर सिकुड़ता है, होता है ऐसा, पानी पहले तो फैलता है, हमने देखा था ना प्रैक्टिकल करके क्लास के अंदर। तो ये जो पानी वापस से श्रिंक हुआ, ये जो सिकुड़ा है बहुत कम अमाउंट में सिकुड़ता है, तो वो सिकुड़ता क्यों है, ड्यू टू सरफेस एनर्जी, ड्यू टू सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। सरफेस टेंशन के कारण जो एनर्जी होती है वही सरफेस एनर्जी कहलाती है। एक और एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हमने इसे प्रैक्टिकली मैथमेटिकली समझने के लिए क्या किया था, एक यू वायर का लिया था हमने शेप, यू शेप का वायर लिया था जिसके तीन साइड जो थी वो फिक्स थी, 1, 2 और 3 साइड जो थी वो फिक्स थी। उसके बाद हमने इसकी एक जो साइड थी वो क्या थी, मूवेबल थी, एक साइड जो थी वो क्या थी, मूवेबल थी। जब हमने इसे लिक्विड सॉप के अंदर डिप किया था और फिर जब हमने इसे बाहर निकाला था, तो ये जो मूवेबल साइड थी, ये मूवेबल साइड हल्की सी स्लाइड होकर के यहाँ पे आ जाती है, आ जाती है, ऐसा होता है, देखा है हमने। तो जब ये इस तरफ आ रही है तो ये क्यों आ रही है, ड्यू टू सरफेस एनर्जी आ रही है। तो इसकी सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला हमने कैसे निकाला था कि भाई यहाँ पे ये जो स्लाइड है, ये हमारी स्लाइड इतना मूव कर रही है, मान लीजिए डी मूव कर रही है, तो डी मोमेंटम हो रहा है यहाँ पे, तो मोशन के कारण यहाँ पे फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है और ये हमारी आगे की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे टोटल हमारा वर्क डन हो रहा है। अब वर्क डन क्या होता है, हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना लग रहा है हमारा, मान लिया एफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डी हो रहा है, दैट इज द डब्ल्यू, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन हो गया हमारा, वर्क डन हो गया। सेकेंड, अब हम अगर बात करें सरफेस एनर्जी की, तो भाई ये वर्क डन हुआ किसके कारण है, सरफेस एनर्जी के कारण हुआ है। तो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया अगर हम मान लें एस है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया कितनी है, एस है। अब यहां पे हम कौन सी सरफेस एनर्जी लेंगे, एस एल ए लेंगे, एस एल एस लेंगे, या एस कौन सी बच गई हमारी, सॉलिड विद रेस्पेक्ट टू एयर। हमारे पास तीन सरफेस एनर्जी है, एस एल ए, एस एल एस, एस एस ए, तीनों में से कौन सी यहां पे सरफेस एनर्जी होगी बताइए, SLA, SLA होगी, क्यों होगी भाई, क्योंकि ये लिक्विड की लेयर है, किसके कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में, तो सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड लेयर विच इज इन कांटेक्ट विद द एयर, SLA, SLA, ठीक है। तो पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया के अंदर हमारी सरफेस एनर्जी कितनी है, SLA है, तो टोटल सरफेस एनर्जी कितनी होगी, टोटल सरफेस एरिया, कौन सा सरफेस एरिया, जो एरिया हमारा चेंज हुआ है भाई, सरफेस एनर्जी के कारण कितना एरिया चेंज हुआ हमारा, इतना ही तो डिस्प्लेस हुआ है, तो यही तो है हमारा सरफेस एनर्जी के कारण जो एरिया चेंज हुआ है, इसी में तो वर्क डन हुआ है, तो टोटल सरफेस एनर्जी मान लीजिए पर यूनिट एरिया के अंदर हमारी सरफेस एनर्जी एस एल ए है, तो टोटल अगर हम इसे सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, जितना सरफेस एरिया इसमें चेंज हुआ है, तो क्या हमारे पास टोटल सरफेस एनर्जी आ जाएगी, एरिया कितना होगा, इस वायर की लेंथ कितनी है, एल है, चेंज कितना किया है, डी किया है, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एनर्जी, टोटल सरफेस एनर्जी हो जाएगी हमारी एस एल ए, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई बाय चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया कितना हो जाएगा, एल इंटू डी हो जाएगा। नाउ यहाँ पे एक कंसेप्ट निकल के आता है कि भाई साहब जो लेयर है, लेयर है जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, वो एक तो इस तरफ लेयर बना रहे, एक इस तरफ लेयर बना रहे, एक इस तरफ लेयर बना रहे हैं और एक इस तरफ लेयर बना रहे, तो भाई दो लेयर बन रही है, तो दो लेयर बन रही है, तो यहाँ पे एरिया भी कितने होंगे हमारे, टू टाइम्स होंगे, टू टाइम्स अगर एरिया होंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, टू इंटू एस एल ए इंटू एल इंटू डी, दिस इज द टोटल सरफेस एनर्जी। क्लियर है यहां तक, तो अब ये जो टोटल सरफेस एनर्जी है इसी के कारण हमारा वर्क डन हुआ है, तो दोनों को हम इक्वल कर देंगे, तो एफ इंटू टी इज इक्वल टू टू एस एल ए इंटू एल इंटू डी, डी से डी गाय खा गई, हमें क्या निकालना है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, तो एस एल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ अपॉन टू एल, एफ अपॉन टू एल, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। नेक्स्ट, क्लियर है सबको ये वाला डाउट, यस सर, चलो नेक्स्ट सर, हो गया सर कंप्लीट,
यस सर। चलिए सर चलिए, अभी वेलोसिटी हम, ग्रेडिएंट, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, वेलोसिटी ग्रेडिएंट। वेलोसिटी ग्रेडिएंट। देखो वेलोसिटी ग्रेडिएंट क्या होता है, ग्रेडिएंट का मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी एक क्वांटिटी के याद चेंज होने पर दूसरी क्वांटिटी में है चेंज का होना, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज होने के कारण एक क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी में चेंज होना हमारा ग्रेडिएंट कहलाता है। जैसे डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, कि चेंज इन वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। यहाँ पे डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, मतलब स्केलर क्वांटिटीज की बात होती है। तो अगर स्केलर क्वांटिटीज के बीच में हम रिलेशन देख रहे हैं, एक के अंदर चेंज विद रेस्पेक्ट टू अनदर के अंदर चेंज, तो हमारा आएगा डीवाई बाई डीएक्स। और इसी की जगह अगर हम बात कर रहे हैं, इसी की जगह अगर हम बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होने पर एक क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी में चेंज होना, वो कहलाता है हमारा ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट हम किसकी ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन कौन से डिस्टेंस देखते हैं। मान लीजिए ये हमारी सॉलिड सरफेस है, इसके ऊपर कोई लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है हमारा, लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है हमारा। तो देखिए लिक्विड की मल्टीपल लेयर्स है, नीचे वाली लेयर जो है वो किसके कॉन्टेक्ट में है, सॉलिड के कॉन्टेक्ट में है, ऊपर वाली जो लेयर है वो किसके कॉन्टेक्ट में है, एयर के कॉन्टेक्ट में, अंदर वाली जितनी भी लेयर है वो किसके कॉन्टेक्ट में है, लिक्विड के कॉन्टेक्ट में। तो हर लेयर का अपना अलग अलग फ्रिक्शनल फोर्स होगा, सबसे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे होगा, कौन सी लेयर पे होगा, नीचे वाली पे, नीचे सॉलिड वाली लेयर पे कॉन्टेक्ट होगा, में, जो लेयर सॉलिड के कॉन्टेक्ट में सॉलिड है। सबसे कम फ्रिक्शनल फोर्स किस पे होगा, सबसे कम एयर फ्रिक्शनल और फोर्स लिक्विड पे। ऊपर वाली लेयर पे होगा, जो कि हमारी एयर के कॉन्टेक्ट में, जो कि हमारी एयर के कॉन्टेक्ट में। क्लियर है यहां तक, क्लियर है। एक हो गई हमारी सबसे नीचे, एक हो गई सर हमारी सबसे ऊपर, सबसे ऊपर सबसे कम फ्रिक्शनल फोर्स, सबसे नीचे हमारी सबसे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स। तो मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारी x की वैल्यू बढ़ रही है, x क्या हमारा डिस्टेंस ऑफ द लेयर फ्रॉम द बॉटम, तो जैसे जैसे डिस्टेंस ऑफ द लेयर फ्रॉम द बॉटम हमारी बढ़ रही है, वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स जो वो कम हो रहा है, वैसे वैसे विस्कस फोर्स जो वो हमारा कम हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन द डिस्टेंस ऑफ द लेयर फ्रॉम द बॉटम, डीवी अपॉन डीएक्स इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट विच शोज द वेलोसिटी ऑफ लेयर विद रेस्पेक्ट टू द हाइट ऑफ द लेयर फ्रॉम द बॉटम। क्लियर है, यस सर, बड़े आगे यस और कोई सर, डाउट, नो सर। चलिए तो ये हो गई हमारी डाउट क्लास कंप्लीट, ये हो गया हमारा रिवीजन भी। अब टेस्ट अच्छे से देना, और परसों टेस्ट ऑनलाइन ले लेंगे अपन, पेपर में आपको शेयर स्क्रीन कर दूंगा, आपको लाइव अपने अपने कैमराज ऑन करके और एग्जाम देना है, और बस ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और कुछ पूछना हो तो।